तो इस वाले क्वेश्चन को देखो प्यारे बच्चे, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस इज मेजर ट्वाइस दैस पी, ठीक है। रेडियस जो है, रेडियस का फार्मूला क्या होता है, रेडियस आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर मास नंबर 1/3, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ से रेडियस ऑफ बी जो है, और यहाँ से रेडियस ऑफ जर्मेनियम यहाँ से, और मास नंबर ऑफ बी और डिवाइडेड बाई मास नंबर ऑफ जर्मेनियम की पावर यहाँ 1/3। तो बी का जो मास नंबर है, मास ये 9 है, तो यहाँ से 9 और यहाँ से ए, यही तो पूछ ही रहा है। जर्मेनियम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम, तो ये जर्मेनियम ए की वैल्यू पूछ रहा है, और इसको मैं लिख सकता हूँ कि रेडियस ऑफ जर्मेनियम इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से जो बी ई आ जाएगा, यहाँ से 2 टाइम्स यहाँ से बी आ जाएगा, ये वाली चीज़, तो ये यहाँ से ख़त्म हो गई। तो यहाँ से ख़त्म हो गई, तो यहाँ से 9 और ए की पावर यहाँ से 1/3 हुआ। अब इधर दोनों साइड तुम देख रहे हो यहाँ पे, एक काम करते हैं, अब इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बना, 1/ यहाँ से 8, ठीक है, दोनों साइड जो है वो क्यूब कर लो, 1/8, और ये 9/8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर 1/2 बचा, और इधर 9/a/1/3 है, ठीक है। तो दोनों साइड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो पावर में, ठीक है, क्यूब, तो ये कट जाएगा और 3 8 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 72, तो 72 न्यूक्लियॉन्स हो गए, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अपना ए ऑप्शन सही हो जाता है।